आफ्टर वॉचिंग फेटल अफेयर्स ऑन नेटफ्लिक्स सोनी टीवी रिएक्शंस बी लाइक बंटी तो चूतिया है। हे गाइस व्हाट्सअप, मैं बताऊंगा आपको कि फेटल अफेयर जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है वो वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। एली जो कि लॉयर है, जो कि प्रैक्टिस कर रही है, अभी लॉयर बनी है, और उसका हस्बैंड जो है वो इंजीनियर है, उसकी डॉटर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। एली जब जिस कंपनी के लिए काम करती है तो वहाँ पर उनको एक हैकर की ज़रूरत होती है, और वो हैकर बुलाते हैं डेविड नाम के एक इंसान को। तो डेविड आता है वहाँ पे, एली उसको देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एली और वो डेविड जो है वो 20 साल पहले एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। और डेविड, आपको बता दूं कि डेविड एली का आशिक है, सरफिरा आशिक, जो कि उसको 20 साल के बीच में भी फॉलो करता है, पर एली को पता नहीं इस बारे में। और फिर वो दोनों मिलते हैं, एकदम हंसी खुशी नॉर्मल बातचीत होती है। फिर एक पार्टी में वो दोनों के बीच में कुछ दारू पीने के बाद हो जाता है, तो उसके आगे कुछ होता नहीं है, पर वो भी बहुत होता है, क्योंकि फिर बाद में एली को समझ आ जाता है कि नहीं, ये सब गलत है, और मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर सब अच्छे, मैं जा रही हूँ, नहीं करना मेरे को सब। तो चली जाती है उसके बाद वहाँ से वो, पर डेविड है सरफिरा, और वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसका जीना हराम कर देता है एली का। तो कैसे एली डेविड से बच पाएगी या छुटकारा पा पाएगी, वो आप इस मूवी में ही देख पाओगे। तो गाइस बात करते हैं इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डेविड है वो पता है एली के पास जाने के लिए उसकी जो फ्रेंड होती है एली की, कॉडनी नाम की, उसको पटा लेता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है वो। और वो मैं आपको बताऊं कि वो एली से लाख गुना अच्छी दिखती है, पर फिर भी डेविड भैया को एली चाहिए। मतलब यहाँ पता चल गया कि प्यार सही में भी अंधा होता है। तो ये जो स्टोरी है, ऐसी स्टोरीज हमने बहुत सारी देखी हुई है क्राइम पेट्रोल के अंदर, साउदर्न इंडिया के अंदर, और इवन सीआईडी के अंदर। तो वही किसी पीटी स्टोरी है, जो कि आप यूं कह लो कि एक हॉलीवुड क्राइम पेट्रोल है। तो फाइनली मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस मूवी को अवॉइड कर दो। इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा तो क्या, मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना वो बहुत अच्छा है, आपको मूवी स्क्रीन से बांध के रखेगा, पर जो स्टोरी है वो हम लोगों ने बहुत सारी देख रखी है, सेम स्टोरीज, तो ऐसा ज़्यादा कुछ नया है नहीं हमारे लिए। पर फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं यार, और अगर आपने देख लिया तो अपना ओपिनियन कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।